चलिए देखते हैं इस वैल्यू को, इस प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। तो आपके पास tan इनवर्स ऑफ माइनस वन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं कि एंगल आपको रिटर्न करते हैं, अब वो एंगल उनके रेंज में लाई करना चाहिए या उनके प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए, तभी हम उसे प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब, ठीक है, आप को जैसा दिख रहा होगा है ना कि प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब क्या होगा। खैर, तो देखिए सबसे पहला आपका एंकर पॉइंट होना चाहिए कि पहले हम कहाँ से शुरुआत करें। तो पहले आपका स्ट्राइक होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए इस माइनस पे, है ना, इस माइनस के कुछ किया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स जो का ग्राफ होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि टेन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है, मतलब माइनस बाहर लिया जा सकता है। हालांकि आप सिंपली याद कर सकते हो, हमने तो इतना सारा लॉजिक बताया आपको याद करने के लिए, लॉजिक के थ्रू याद करिए, ज़्यादा हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में। तो सिंस हमने लिख दिया तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन हो गया। अगली समस्या, ये वन टेन के किस एंगल की वैल्यू होती है। जैसा आप क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो कि ये टेन क्या होता है, 45 डिग्री, और एलेवेंथ में आते आते आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीख लिया है, तो दैट इज रिटेन एज ए पाई बाई 4। तो हम लोग रेडियन में स्पेसिफाई करेंगे, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे tan पाई बाई 4 लिख के। तो दिस 1 कुड बी रिप्लेस बाय द tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 हो जाएगा। लेकिन एक और हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x होता है। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तभी x लिख सकते हो जब ये x इसकी रेंज में लाई करे, मतलब माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो हम लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हो पाई बाई 4? यस, लिख सकते हैं कि पाई बाई 4 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता है। ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये तो कॉपी की बात हो गई। अब फाइनल बात आता है कि जो हमने निकाला है क्या वो करेक्ट है। खुद के लिए तो वेरीफाई कर ले हम लोग, भले हमें टीचर को नहीं बताना है, तो खुद के लिए कैसे वेरीफाई करें। तो देखिए हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, और ये आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आंसर शीट तो दी नहीं होगी, आपको आंसर शीट पकड़ा दी गई, पता चला कि आप आंसर ही लिख दो डायरेक्ट देख के। तो देखिए ये माइनस पाई बाई 2 हो गया और ये हो गया पाई बाई 2। ग्राफ बना लेते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स का, जैसा आप जानते हो, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो आप देखा करिए, आपको ये एक्सरसाइज ख़त्म होते होते याद हो ही जाएगा, है ना। तो देखिए ये माइनस पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, और ये आपका माइनस पाई बाई 4 है ना, माइनस काफ़ी दूर लिखा हुआ है, तो माइनस पाई बाई 4 है। माइनस पाई बाई 4 कहीं यहाँ होगा आपका, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे है, मतलब वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब जो आपने निकाला है वो उसके रेंज में लाई करता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। दैट मीन दैट इज अ करेक्ट आंसर।